देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। खबर हटा से है जहां दुकानदारों ने खुद लॉकडाउन किया। कोरोना से मचे कोहराम के बीच सिर्फ दमोह को छोड़कर समूचे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के बाद जहां दमोह में प्रशासन उपचुनाव में व्यस्त है, तो वहीं इस बीच हटा ब्लॉक के एक गांव से सुखद संदेश मिल रहा है। दमोह में उपचुनाव को लेकर जिला कलेक्टर तरुण राठी ने लॉकडाउन नहीं लगाया, जबकि हटा ब्लॉक के हिनौता कला गाँव में ग्रामीणों ने जागरूकता दिखाते हुए खुद और दूसरों की रक्षा के लिए 2 दिन का लॉकडाउन लगाकर संजीदगी दिखाई है और प्रशासन के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। दरअसल हटा अनुविभाग में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते हटा के हिनौता कला में ग्रामीणों ने खुद से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इस बार हटा ब्लॉक के आसपास के ग्रामों में कोरोना तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना लगातार क्षेत्र में पैर पसार रहा है, जिसके चलते हटा के हिनौता कला में ग्रामीणों ने स्वेच्छा से शनिवार रविवार 2 दिनों का लॉकडाउन लगाया है। बंद रखा है, क्या कारण है? ये हम सभी व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से बंद रखा है। कोरोना की बढ़ती महामारी के कारण हमारे नौता में भी बहुत सारे मरीज बढ़ रहे हैं और शासन की तरफ से तो नवजिला फ्री है, तो हम सभी व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से बंद किया है और 2 दिन का बाजार बंद रखा है। संपूर्ण बाजार बंद रहेगा? हाँ, संपूर्ण बाजार बंद रहेगा 2 दिन का। 2 दिन का आज हिनौता में जो बाजार बंद रखे गए हैं बस स्वैच्छिक हैं। इसमें सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती या कोई निर्देश नहीं है, क्योंकि कोरोना का विस्फोट है जो बहुत तेजी से हो रहा है और हमारे गांव में कुछ बहुत ज्यादा केस मिल रहे हैं, बल्कि सरकार द्वारा सिर्फ 1 केस की पुष्टि की गई है, बल्कि इसमें कुछ मौतें भी हो चुकी हैं और अभी अगर 10 से 20 तो लोग अभी इलाजरत हैं, इसकी सरकारी आंकड़ों में कोई पुष्टि नहीं है। तो प्रशासन इसको ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा और प्रशासन को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों ना अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें और आज हिनौता बाजार बंद है और हो सकता है अगर इस पे विचार होगा, 2 दिन के लिए तो है ही, अगर विचार बन रहा है तो इसको और बढ़ाएंगे, क्योंकि कोरोना का सिर्फ यही इलाज है।